और गैस चैम्बर में बदला हुआ दिल्ली एनसीआर, 500 के पार राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंचा है और दिल्ली में 548, अलीपुर में 586, आनंद लोक 586, आनंद पर्वत 521, आनंद विहार का 608, अशोक विहार 539, कैलाश 586, ITI शाहदरा 608, कालकाजी 646, PGDAV कॉलेज का AQI 701 दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां जनता ये उम्मीद कर रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की जाए, लेकिन एक बड़ा कारण ये है अब ठंड बढ़ने लगी है और हवा धीमी गति से चल रही है, इसके चलते जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट दर्ज नहीं हो रही है, जो बेहद खतरनाक है लोगों के लिए, खासतौर पर जो सांस संबंधी बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए। हुआ है ये लगातार बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और इससे जो जनता को होने वाली परेशानियां हैं वो भी सभी के सामने हैं। इसके अलावा सरकार जहां कोशिश कर रही है, बट मुझे लगता है कि नेचर कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है जो आपने कहा, नेचर कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो राजधानी दिल्ली एनसीआर की स्थिति है इस समय बहुत ही खतरनाक हो गई है, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो देखिए, आज जो सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया है लगभग 480 औसतन, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 के पार चला गया है, यह बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इसमें जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं और जो उम्रदराज लोग हैं, वह सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए, दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जो 9 तक के क्लास हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनको ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाएगा और साथ ही जो 11th क्लास के जो छात्र हैं उनको भी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। 10th और 12th, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है इनका, लिया जाए उनके लिए यह सुविधा नहीं दी गई है। बड़ी दिक्कत की स्थिति बनी हुई है राजधानी दिल्ली में और खुद मुख्यमंत्री आतिश ने इसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि जो दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है इसका ग्राफ इतना बढ़ गया है कि इसको देखते हुए जो है आज से जो है ग्रेड 4 लागू किया जाएगा। अभी तक ग्रेड 3 था लेकिन अब ग्रेड 4 लागू किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रक है उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जो बहुत जरूरी खाद्यान्न से संबंधित सामान लेकर के आएंगे उनको ही एंट्री मिल पाएगी। साथ ही जो पुरानी गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल की उनको प्रतिबंधित कर दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन कहीं पर बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पर तोड़ फोड़ नहीं होगा जिससे डस्ट निकलता है। तो तमाम चीजों को पाबंदी और बढ़ाने की बात सामने आ रही है। आने वाले समय में देखिए, दिल्ली सरकार अपने तरफ से तमाम जो है कदम उठा रही है लेकिन जो प्रदूषण का ग्राफ है यह कम नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि जो लगातार जो ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ने की वजह से जो है यह प्रदूषण का जो पूरा दिल्ली एनसीआर जो है जो चेंबर बना हुआ है उसको लेकर के जो है दिक्कत मतलब टूट नहीं पा रहा है। सुबह जो है विजिबिलिटी बहुत कम है, देखिए 150 मीटर मापा गया है अभी एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी मापा गया है, तो चूंकि कोहरा भी गिर रहा है, प्रदूषण भी है, पूरा स्मार्ट चेंबर बन गया है, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो डॉक्टर हैं लोगों को एडवाइज कर रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी आप लोग घरों से निकलिए, नहीं तो मास्क अगर निकलना पड़ रहा है तो N95 मास्क लगा करके निकलिए, जरूरी काम हो तभी निकलिए। और खास करके जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको एहतियात बरतने की सुझाव दी जा रही है कि आप लोग बिल्कुल अपना बचाव करिए अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए डॉक्टर तो एडवाइज कर ही रहे हैं लेकिन ऐसे में आम आदमी का जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रदूषण से खुद को अगर आदमी बचाव करेगा, खुद एक्टिव रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। तो डॉक्टर भी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, जो भी पाबंदियों को लेकर नियम कानून है उसको लागू करने की तैयारी में दिल्ली सरकार है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यह जो प्रदूषण का लेवल है यह कब खत्म होगा, दिल्ली के लोगों को राहत कब मिलेगी। जी, अब इसी के साथ राजीव, एक सवाल ये भी कि जो बढ़ा हुआ प्रदूषण है ये कोई नई बात नहीं है, खासतौर पर दिल्ली में, और जिस तरीके से दीपावली के पहले से ही प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ा हुआ था, क्या लगता है आपको उस समय और ज़्यादा सख्ती से एडवाइजरी जारी
तैयारी करनी चाहिए थी। हालांकि वाटर स्प्रिंकलिंग का एक दौर हमने देखा, दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी, नेचर भी एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। लेकिन अब दिल्ली में क्योंकि ग्रैब 4 लागू किया गया है, इसे कंट्रोल करने के लिए क्या लगता है पहले से और ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए थी? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली में अगर पहले से सरकार एक्टिव होती और तमाम जो पाबंदियां अब लगाई जा रही हैं वो पहले लगाई गई होती तो हो सकता था प्रदूषण का लेवल यहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन देखिए, लाख पाबंदियों के बाद जो है आतिशबाजी जमकर हुई दिल्ली NCR में और लोग इसका हवाला ये देते रहे कि भाई त्यौहार है, हिंदू धर्म का त्यौहार है तो अब आतिशबाजी कब की जाएगी। तमाम पाबंदियों के बाद पटाखे भी बिके और लोग पटाखे भी छोड़े, लेकिन अब जो ये पटाखों का दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, अगर देखा जाए तो सितंबर महीने से ही जो है प्रदूषण का ग्राफ लगातार दिल्ली NCR में बढ़ने लगा। उसी समय दिल्ली में ग्रेप 1 लागू किया गया, फिर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पास चला गया तो ग्रेप 2 लागू किया गया, जब 400 के पास चला गया तो ग्रेप 3 लागू किया गया, अब 400 से भी अधिक 500 को छू गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब सारे खतरनाक लेवल को पार कर गया है, तो अब ग्रेप 4 लागू किया गया है। आने वाले समय में इन दिक्कतों से कैसे राहत दिलाई जाएगी यह सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि चुनौती है, क्योंकि देखिए आम आदमी के लिए चेतावनी बनी हुई है यह कि अब लोग अपना बचाव कैसे करें, एहतियात तो बरतने के लिए डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली NCR ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर आदमी को अपने ऑफिस जाना होता है, नौकरी पेशे पे जाना पड़ता है, तमाम परिस्थितियों में उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, तो वह किस तरह से अपना बचाव करें यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो देखिए यह हर साल की स्थिति है, नवंबर महीने में हर साल प्रदूषण का ग्राफ बढ़ जाता है। पहले बताया जाता था कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से जो है वहां पर का स्मॉग जो है पूरी दिल्ली NCR में आ जाता है, चेंबर बन जाता है, लेकिन इस साल इन राज्यों में कंट्रोल भी किया गया था, पराली जलाने पर रोक भी लगाई गई है और तमाम चीजें, मतलब कम पराली जली है, यह नहीं कहा जा सकता कि पराली नहीं जली है, लेकिन पराली कम जली है, उसके बाद भी जो है स्थिति बुरा है और आने वाले समय में दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए अब चूंकि जो नेता है तो अपने हिसाब से राजनीति भी करते हैं, फरवरी में यहाँ पे विधानसभा चुनाव है तो अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है कि कौन इसको कैसे कंट्रोल करेगा, लेकिन सवाल अपने आप में यही है कि देखिए देश में 4 बड़े महानगर हैं लेकिन उन महानगरों में दिल्ली जो है देश की राजधानी भी है, बड़े महानगर में इसकी गिनती होती है, लेकिन हर साल यह स्थिति जो बनी है तो इस स्थिति को कैसे खत्म किया जाए, आने वाले समय में लोगों को कैसे स्वच्छ वायु की प्रबंध की व्यवस्था की जाएगी, यह बड़ा सवाल है। आम दिल्ली के जो दिल्ली वासी हैं यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो प्रदूषण का लेवल हर साल बढ़ रहा है इससे निजात कब मिलेगी, और सरकार इसके उसको लेकर कोई ठोस कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए डॉक्टर यही सबको सलाह दे रहे हैं कि जरूरी हो तभी घरों से आप लोग निकलिए, निकल रहे हैं तो N95 मास्क लगा कर निकलिए। जी चलिए राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सब खतरनाक लेवल्स को पार कर गया है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण अभी ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। देखने वाली बात होगी कि जो सख्ती अब बढ़ती जा रही है इसका क्या नतीजा होता है।